फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की और क्या कहते हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के। वीडियो जो है दो पार्ट में जो है ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, तो यहाँ पर ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी महत्वपूर्ण क्या कहते हैं लोकेशन उसके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बनते हैं, सबको हम यहाँ पर बारी बारी से डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पर हम उसी को डिस्कस करेंगे जो परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण होते हैं, हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वो चाहे बैंक, SSC, रेलवे, UPSC और स्टेट PSC तक के जो भी एग्जाम्स हैं। देखते हैं, सबसे पहला यहाँ पर है कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित सबसे छोटा महाद्वीप है। क्या है? सबसे छोटा महाद्वीप है। इस महाद्वीप में 22 देश हैं। तो दरअसल अगर हमें क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को अगर हम मैप के माध्यम से देखते हैं यहाँ पे, तो क्या कहते हैं ये दक्षिणी गोलार्ध में इसकी जो है लोकेशन है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो क्या है इक्वेटर है। यहाँ पे इक्वेटर 0 डिग्री जो क्या कहते हैं अक्षांश होती है, तो उसको हम इक्वेटर बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं या विषुवत रेखा बोलते हैं। और इसके जो है दक्षिण का जो हिस्सा होता है वो दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है और उत्तर का जो हिस्सा होता है उसको हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। तो यहाँ पर अगर देखेंगे कि दक्षिणी गोलार्ध में यानी कि विषुवत रेखा के दक्षिण में स्थित होने के कारण इसको हम दक्षिणी गोलार्ध में स्थित महाद्वीप बोलते हैं। और द्वीप और महाद्वीप में बेसिकली जो डिफरेंस होता है वो मेरे ख्याल से सबको पता होगा, और नहीं पता होगा तो आप नीचे हमें को कमेंट कीजिए। और यहाँ पर अब देखिए लिखा हुआ है कि दक्षिणी अमेरिका जो क्या कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध में स्थित सबसे छोटा महाद्वीप है, और इस महाद्वीप में क्या है कि 22 देश टोटल शामिल है। तो अगर मैप पे देखा जाए कि यहाँ पर ये जो छोटे छोटे इसके द्वीप हैं, यहाँ पर ये जो छोटे छोटे द्वीप हैं जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो द्वीप इसका पड़ता है, तो इसके जो छोटे छोटे द्वीप हैं जिसमें सबसे महत्वपूर्ण न्यूजीलैंड है, और इसको अभी हम डिटेल में देखेंगे न्यूजीलैंड के बारे में जो भी कुछ खास होगा, तो ये सारे के सारे जो है और कभी ना कभी हमेशा ये चर्चा में भी रहते हैं, तो ये सारे जो क्या कहते हैं छोटे छोटे द्वीप हैं इन द्वीपों को मिला करके जो है यहाँ पर जो है टोटल क्या कहते हैं 22 देश हैं। और इसीलिए जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को जो है हम कई अन्य नामों से जानते हैं, जिसको जैसे इसको जो है हम द्वीपीय महाद्वीप भी बोलते हैं। जैसे अगर थोड़ा सा अगर हम आपको उदाहरण के माध्यम से बताने की कोशिश करें, तो जैसे भारत जो भारतीय क्या कहते हैं उप महाद्वीप हम इसको बोलते हैं, क्योंकि जैसे यहाँ पर मान लीजिए अपना भारत है, तो यहाँ देखेंगे यहाँ पर कई जो है देश हैं, जैसे यहाँ पर श्रीलंका है, इधर क्या कहते हैं इधर यहाँ पे थोड़ा मालदीव यहाँ पर स्थित है। तो जिस तरीके से भारत में जो है कई छोटे छोटे जो है और भी देश हैं, उन सबको मिला करके हम जो है इसको महाद्वीप बोलते हैं। और इधर क्या कहते हैं नेपाल है, और इधर जो है पाकिस्तान है, फिर अफगानिस्तान है, तो इसलिए भारत को क्या हम बोलते हैं भारतीय उप महाद्वीप बोलते हैं। तो ऐसे हम पूरे ऑस्ट्रेलिया का जो हिस्सा है वहाँ पर जो और भी जो छोटे छोटे द्वीप हैं उनको हम मिला करके उसको अलग कोई द्वीप ना मान करके उसको हम क्या कहते हैं ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ही उसको जो है वो शामिल कर लिया गया है। तो यहाँ पर बहुत सारे तमाम छोटे छोटे द्वीप हैं, तो इन सबको जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में शामिल करते हुए बताया जाता है कि जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो है वो टोटल जो है कुल मिलाकर के 22 देश हैं। कितने देश हैं? 22 देश हैं। तो कभी कभी यहाँ पर सवाल ये पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है वो देशों का समूह है, तो क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि कभी कभी लोगों में भ्रम हो जाता है, क्योंकि जो लोग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में जानते हैं वो सिर्फ इतनी सी ही जो इसकी क्या कहते हैं क्षेत्रफल है इसी को जानते हैं। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया का जो है क्षेत्रफल वो इतना ही है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल केवल इतना नहीं है, वो जो छोटे छोटे द्वीप हैं मैं बार बार बता रहा हूँ उसको भी शामिल करके है, इसलिए इसको हम द्वीपीय महाद्वीप भी बोलते हैं। और दूसरी बात जो इसमें बताई थी कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, सबसे छोटा महाद्वीप है। क्यों? क्योंकि जो है सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो एशिया है, और मैं एशिया को अभी जब डिटेल में हम कवर करेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि एशिया की एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ से शुरू होती है, क्योंकि जब हम मैप में देखते हैं तो एशिया और यूरोप में जो है हमको अंतर नहीं समझ में आता, तो अंतर दरअसल ये है कि यहाँ पर जो है क्या कहते हैं लगभग इस वाले हिस्से में यूराल पर्वत है, और यूराल पर्वत से क्या कहते हैं पूर्व का हिस्सा जो है वो एशिया में लगता है पूरा चाइना और अपना जो है इंडिया सहित, तो ये वाला हिस्सा जो है वो क्या है एशिया है। तो एशिया महाद्वीप जो है वो सबसे बड़ा महाद्वीप है। उसके बाद में जो है वो अफ्रीका महाद्वीप दूसरे स्थान पे, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका है,
और तीसरा जो है सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो उत्तरी अमेरिका है, चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो दक्षिणी अमेरिका है, और पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो अंटार्कटिका है, और छठा जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो यूरोप है, और सातवां जो है सबसे बड़ा महाद्वीप या यूं कहें कि सबसे छोटा महाद्वीप वो है ऑस्ट्रेलिया। तो सात महाद्वीपों में जो है वो सबसे छोटा महाद्वीप जो है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। चलिए एक बार हम फिर से देख लेते हैं, पहला जो है सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, वो एशिया महाद्वीप है। दूसरा जो है दूसरे स्थान पे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है। तीसरा जो है वो उत्तरी अमेरिका है, और उत्तरी अमेरिका को याद करने की थोड़ा सा ट्रिक अगर यहाँ पर आप सोचेंगे तो देखिए जो तीन नंबर है वो एकदम छोटा ऊ की तरह बनता है, ठीक है। तो उत्तरी अमेरिका से आप तीन को जो है वो थोड़ा सा जो है टैली कर लें, मिलान कर लें, तो यहाँ से थोड़ा ये याद हो जाएगा कि यहाँ तीसरे स्थान पे जो है वो उत्तरी अमेरिका है, चौथे स्थान पे जो है दक्षिणी अमेरिका हो गया, और पांचवे स्थान पे अंटार्कटिक है, छठे स्थान पे यूरोप है, और सातवां जो लास्ट है वो है ऑस्ट्रेलिया, जो कि सबसे छोटा महाद्वीप है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, और टोटल जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में 22 जो है देश हैं। अब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के कुछ अन्य नाम भी हैं, जैसे देख लेते हैं कौन कौन सा नाम है। द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस, द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस एक इसका नाम है। दूसरा नाम है लैंड ऑफ कंगारू, तो कंगारू नाम से तो सारे लोग परिचित होंगे। तीसरा नाम है प्यासी भूमि का देश। दरअसल क्या है कि ऑस्ट्रेलिया में जो है वो वर्षा का थोड़ा सा अभाव है, यहाँ पर बारिश जो है वो बहुत कम मात्रा होती है, इसलिए जो है इतना भी कम नहीं होती है कि रेगिस्तान जो है हो, हालांकि वहाँ पर रेगिस्तान भी है, मरुस्थल भी है, तो इसलिए इसको जो है हम प्यासी भूमि का देश भी बोलते हैं। और द्वितीय महाद्वीप इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम अभी उसकी चर्चा पीछे कर चुके हैं। अगला देखते हैं कि इस महाद्वीप के उत्तरी भाग में कारपेंट्रिया का मैदान स्थित है। तो कारपेंट्रिया का मैदान जो है कहाँ पर स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तरी भाग में कारपेंट्रिया का मैदान स्थित है। अब इसको हम मैप पर भी दिखाएंगे कि कहाँ पे है। उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को एबोरिजिन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एबोरिजिन्स कहते हैं। सवाल बन सकता है, मान लीजिए मिलान करने के लिए दे देते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और क्या कहते हैं, या कोई दूसरा मान लीजिए महाद्वीप दे देते हैं तो, और उसको एबोरिजिन्स से मिलान करने के लिए दे देते हैं, तो एबोरिजिन्स जो है वो कहाँ की जो है मूल निवासी हैं, या हम कहें कि वो ट्राइब्स हैं। हालांकि ट्राइब्स बहुत कम देखने को मिलता है, मूल निवासी ज़्यादा देखने को मिलता है, तो ये कहाँ पर हम बोलेंगे, ये है ऑस्ट्रेलिया के, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को हम क्या बोलते हैं, माओरी बोलते हैं, एबोरिजिन्स बोलते हैं। और यहाँ पर हम ऑस्ट्रेलिया के मैप पे अगर देखेंगे तो कारपेंट्रिया है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में कारपेंट्रिया का मैदान स्थित है। तो सवाल बन सकता है, या इतना भी आ जाता है कभी कभी मिलान करने के लिए, यूपीपीसीएस में तो खास तौर पे मिलान करने के लिए आता है कि कारपेंट्रिया का मैदान जो है मिलाइए, तो कारपेंट्रिया का जो मैदान है वो कहाँ पर है, वो जो है वो ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग को कारपेंट्रिया का मैदान कहते हैं। अब चलिए हम ऑस्ट्रेलिया की सबसे महत्वपूर्ण जो है ज्योग्राफिकल लोकेशन है ग्रेट बैरियर रीफ, उसके बारे में जान लेते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ है क्या? देखिए, यह ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तटीय क्षेत्र में स्थित क्वींसलैंड राज्य के, ये ध्यान रखना है कहाँ पर स्थित है, क्वींसलैंड राज्य के साथ फैला है, जिसका निर्माण परवाल नामक छोटे छोटे जीवों के अस्थि पंजरों के लगातार जमाव से हुआ है। यही ग्रेट बैरियर रीफ ही ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख मूंगा चट्टान है। देखिए, मूंगा चट्टान है, जिसे परवाल भित्ति भी कहते हैं, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो किसकी बनी हुई है, वो मूंगे की चट्टान है, वो मूंगे से बनी हुई है, और ये परवाल नाम के जो है वो छोटे छोटे जीवों के क्या कहते हैं, हड्डियों से, उनके जो अस्थि पंजर होते हैं उनके लगातार जमाव से बनी हुई है, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, परवाल भित्ति भी बोलते हैं। अब आप ऑस्ट्रेलिया के पॉलिटिकल मैप को अगर देखेंगे तो जो मैंने अभी आपको बताया कि ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड राज्य के जो है वो पूर्वी तटीय क्षेत्र में ग्रेट बैरियर रीफ जो है स्थित है। यहाँ पर देख सकते हैं कोरल सी भी इसको कहते हैं यहाँ पे, और ये खासतौर पे पैसिफिक ओशियन में है। तो यहाँ पर क्वींसलैंड राज्य के समांतर जो है ग्रेट बैरियर रीफ फैला हुआ है। किसकी चट्टान है? मूंगे की चट्टान है, परवाल नाम के छोटे छोटे जीवों के अस्थि पंजरों से इसका निर्माण हुआ है, और इसे परवाल भित्ति भी कहते हैं।
चलिए अगला देखते हैं, आर्टिजन बेसिन क्या है। आर्टिजन बेसिन के बारे में देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के मध्यवर्ती निम्न भूमि में वर्षा भाव के कारण खोदे गए गहरे कुओं से स्वतः बड़े वेग से पानी निकलता रहता है, जिन्हें उत्सृत कूप कहते हैं। उत्सृत कूप कहते हैं, क्या कहते हैं? उत्सृत कूप कहते हैं। इन कूपों का विस्तृत क्षेत्र ही आर्टिजन बेसिन कहलाता है। दरअसल आपको बता दें कि बेसिन होता क्या है। बेसिकली बेसिन क्या होता है, बेसिन का शब्द का यूज दरअसल वो नदियों के अपवाह क्षेत्र के लिए किया जाता है, तो उसी को ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में, भौगोलिक भाषा में, उसको हम बेसिन बोलते हैं। तो मान लीजिए ये ऑस्ट्रेलिया का जो है मैप है, अगर ये मान लीजिए ऐसे कुछ मैप है, और यहाँ पर जो लगभग इसका जो क्वींसलैंड राज्य का हिस्सा है, यहाँ पर जो है वो आर्टिजन बेसिन स्थित है। तो इस वाले हिस्से में क्या होता है कि वर्षा का जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वर्षा की कमी होती है, तो इसलिए यहाँ पर जो है वो जो कुएँ खोदे गए हैं, इन कुओं से जो है पानी जो है खुद जो है वो बहुत वेग से निकलता रहता है। तो ये कुएँ जो है वो कई जगह पर खोदे गए हैं, काफ़ी जो है बड़े हिस्से में खोदे गए हैं। तो इस पूरे हिस्से में जो है क्या कहते हैं कि इस प्रकार के कुओं की जो है वो बहुलता है, तो इसलिए उस पूरे क्षेत्र को हम बेसिन बोलते हैं। बेसिन जो है वो क्या कहते हैं, इस पूरे क्षेत्र को बोलते हैं। और अगर आप मैप पे देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के कि ज्योग्राफिकल मैप पे देखेंगे, तो यहाँ पर जो है वो ग्रेट आर्टिजियन बेसिन जो है दिखेगा, ग्रेट आर्टिजियन बेसिन, जहाँ पर जो है वो उत्सृत कूप खोदे गए हैं, इसी को जो है हम क्या बोलते हैं आर्टिजन बेसिन कहते हैं। और ये क्या कहते हैं, निम्नवर्ती भूमि है, और इसलिए इसको जो है मध्यवर्ती हिस्सा बोलते हैं, क्योंकि मध्य में लगभग ऑस्ट्रेलिया के जो है वो बीच में पड़ता है, एकदम बीच में तो नहीं पड़ता लेकिन लगभग बीच में पड़ता है। और क्या कहते हैं, एक होता है हाईलैंड और एक होता है लोलैंड, यानी कि एक होती है उच्च भूमि और एक होती है जो है, तो उच्च भूमि आप देखेंगे कि लगभग वो पठार होती है, लगभग क्या उच्च भूमि तो पठार ही होती है, लेकिन पठार से जो थोड़ा सा नीचे दबा हुआ हिस्सा होता है उसको जो है हम निम्नवर्ती भूमि बोलते हैं, यानी कि पठार से अपेक्षाकृत उसकी ऊंचाई कम होती है। तो इस वाले हिस्से में जो कुएं खोदे गए हैं उसी को आर्टिजन बेसिन बोलते हैं यहाँ पे। और इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता यह है कि यहाँ पर पानी जो है वो स्वतः बड़े वेग से निकलता रहता है। और इसके बाद में अब हम न्यूजीलैंड के बारे में देख लेते हैं, जिसकी चर्चा हम थोड़ी देर पहले कर ही रहे थे। यह ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसे दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इसे दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं। तो आपको याद होगा एक ब्रिटेन यूरोप में है, और जो कि रियल ब्रिटेन है, जिसको ब्रिटेन के नाम से हम जानते ही हैं, और एक ब्रिटेन जो है जिसको हम दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में स्थित क्या है, वो न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड में एमू और कोकाबर्रा नामक पक्षी पाया जाता है। कोकाबर्रा को लॉफिंग जैकास भी कहते हैं। तो सवाल बन सकता है कि लॉफिंग जैकास जो है वो कहाँ पाया जाता है, तो अगर वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया भी ऑप्शन में दे दें और न्यूजीलैंड भी ऑप्शन में दे दें, तो एग्जैक्ट आंसर क्या होगा उसका, न्यूजीलैंड होगा। ठीक है, न्यूजीलैंड के दोनों प्रमुख द्वीप जो है वो कुक जल संधि द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। तो आपको बता दें, भी मैप पे दिखाएंगे कि न्यूजीलैंड जो है वो दरअसल दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक जो है उत्तरी जो है द्वीप है और एक जो है वो दक्षिणी द्वीप है। तो वो दोनों जो है वो कुक जल संधि के द्वारा एक दूसरे से जो है वो अलग होते हैं। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी माउंट कुक है, जो है माउंट कुक जो है वो क्या है, न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी है, और माओरी यहाँ की मूल निवासी है। माओरी लोग माउंट कुक को ओरंगो कहते हैं। तो आपको याद होगा कि मैंने थोड़ी देर पहले ऑस्ट्रेलिया की मूल निवासी बताया था कि एरबोजिन्स है, वैसे यहाँ की जो मूल निवासी है, मूल ट्राइब्स है, उसको हम क्या बोलते हैं, माओरी बोलते हैं। और माओरी लोग माउंट कुक को, जो कि यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, उसको ओरंगो बोलते हैं। उसके बाद में किवी जो है, किवी ये क्या है, एक पक्षी है जो कि न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। तो विकल्प में दे सकते हैं कि किवी जो है निम्नलिखित में से क्या है, तो ये जो है वो पक्षी है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं मैप के माध्यम से, जो है ये है न्यूजीलैंड है, और यहाँ पर जो है क्या कहते हैं कि ये नॉर्थन जो है उत्तरी क्या कहते हैं आइलैंड है, न्यूजीलैंड का उत्तरी हिस्सा है, और ये दक्षिणी हिस्सा है। और यहाँ पर मैंने बताया था कि न्यूजीलैंड जो है वो क्या है कि कुक जल संधि के द्वारा जो है इसके दोनों द्वीप एक दूसरे से अलग होते हैं। तो यहाँ पर मैप पर ध्यान से देख लें, सवाल में पूछा जा सकता है कि कुक जल संधि
क्या कहते हैं किसके बीच में पड़ती है या कहाँ पर पड़ती है, तो कुक जल संधि वो जो है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पड़ती है, और कहाँ पर पड़ती है तो कुक जल संधि जो है वो न्यूजीलैंड में पड़ती है। और यहाँ पर हम मैप के माध्यम से एक बार देख लेते हैं कि जो है क्या कहते हैं कि कुक जल संधि जो कि उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड के बीच में स्थित है, और यहाँ पर माउंट कुक जो कि न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी है, और इसकी ऊंचाई देख सकते हैं कि 3,754 मीटर इसकी ऊंचाई है। हालांकि ऊंचाई जो है एग्जैक्ट नहीं पूछी जाती है किसी एग्जाम में, लेकिन फिर भी जो है कभी कभी जो है वो अवरोही या जो है आरोही क्रम में सजाने के लिए दे देते हैं स्टेट पीएससी वगैरह में। तो माउंट कुक जो है सबसे ऊंची चोटी है, और यहाँ के मूल निवासी माओरी हैं जो कि इसको ओरंगो बोलते हैं।